रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, व्यापम एग्जाम, इसके अलावा अन्य जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनमें जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा ही जाता है। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होने वाले जनरल नॉलेज के प्रश्नों का जानेंगे और हम वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और मैप के माध्यम से भी आपको कुछ प्रश्नों को समझाएंगे जो जरूरी हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आप इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको एक बार गैस जरूर करें और आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसका आंसर जा रहे हैं। इसका आंसर क्या है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है न्यूटन। न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। हम वन लाइनर प्रश्नों का इसमें अध्ययन करेंगे क्योंकि एग्जाम के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम वन लाइनर प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अर्थात नोबल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय कौन है? तो इसका आंसर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबल दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में नोबल दिया गया था और भारत का पहला व्यक्ति है जिन्हें नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनकी रचना है गीतांजलि। गीतांजलि रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम मिला था भारत का। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और महाभारत में द्रोणाचार्य क्या काम करते थे, क्या उनका मूल उद्देश्य था? तो प्रशिक्षण देना। तो हम इसमें याद कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो कोच से संबंधित है क्योंकि प्रशिक्षण करता था। तो उस समय गुरुकुल में ये शिक्षा प्रदान करते थे, तो ये प्रशिक्षक भी थे और कौन थे, गुरु थे। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक दोनों थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार जुड़ा हुआ है क्योंकि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होते हैं वो पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु को प्रदान किए जाते हैं या श्रेष्ठ प्रशिक्षक को प्रदान किए जाते हैं या श्रेष्ठ कोच को प्रदान किए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो जो कि प्राचीनकालीन स्थल है, एक जगह है खजुराहो जहां पर खजुराहो का मंदिर आपने जरूर सुना होगा, ऐतिहासिक नगरी है खजुराहो, ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या है, मैप में आप देखेंगे लाल रंग से मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है खजुराहो। इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। ध्यान देंगे कहाँ है, तो देहरादून में, और देहरादून आप देखेंगे तो कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, आप मैप में भी देख सकते हैं उत्तराखंड किस तरफ है भारत के, तो भारत के उत्तर में है और चीन से लगा हुआ राज्य है उत्तराखंड। इसके बाद छठा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है, जैसे अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कितना समय हुआ है यह हमें कैसे पता चलता है कि अभी 9 बजा है, 10 बजा है, 12 बजा है? उनके लिए एक आधार बनाया गया है क्योंकि पहले 12 बजता है, उसके बाद हमारा जो समय होता है वो किससे निर्धारित होता है, इसी को हम कहते हैं भारतीय मानक समय, MT कहते हैं, हम देख लेना आपने कई बार लिखा होता है मीन टाइम, MT लिखा होता है। तो यह है भारतीय मानक समय कितना है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर, और आप मैप में देख सकते हैं ये है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इस तरह से ये जो राज्य जो कटा है जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 5 जिलों से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय का रेखा जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। इसके बाद है अगला,
कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा भी कहते हैं। यह है, देख सकते हैं मैंने तीर से यहाँ हाईलाइट किया, ये जो लाल रंग से है यहाँ ऊपर में लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश, और इसी यही क्षेत्र सबसे पूर्वी क्षेत्र है। मैंने यहाँ हिंदुस्तान लिखा, और यहाँ देखेंगे मैप में तो ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, और इस तरफ गुजरात तरफ, पश्चिम और असम तरफ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। और सबसे पूर्व भाग में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश नेफा राज्य है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा के उस पार कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? चीन। चाइना है नाथुला दर्रा के उस पार। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। और मैप में आप देखेंगे तो ये लाल रंग से जहाँ ये सिक्किम लिखा हुआ है, मैंने कर्सर को ले गया है यहाँ सिक्किम, और सिक्किम के जस्ट ऊपर से मैंने लाल रंग से जितना हाईलाइट किया है ये है चीन, और नाथुला दर्रा के उस पार क्या है? तो चीन देश है। इसके बाद अगला है, अगला प्रश्न है, दसवां प्रश्न, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो इसका सही आंसर क्या है? क्षोभ मंडल। हम इसे ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद अगला है, भारतीय सेना में उज्जैन नाम है, तो हमें बताना है कि भारतीय सेना में उज्जैन जो है वो क्या है? एक टैंक है, या नौसेना विमान है, या लड़ाकू विमान है, या हल्का विमान है, क्या है हमें बताना है? क्या एक ट्रेन का नाम है जो कि सेना से जुड़ा हुआ है? तो ये बताना है, तो इसका आंसर क्या है? विजयन एक टैंक का नाम है। अगला है 12वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ये इतिहास का प्रश्न है, विक्रमादित्य। आप ध्यान देंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद है 13वां प्रश्न, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो वो दोनों बाप बेटा थे, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों बाप बेटा थे। इसके बाद अगला है 14वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? असम। असम मैप में आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ हरा रंग से हाईलाइट किया है, ये है असम, जो कि चाय उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर रहता है और कभी पश्चिम बंगाल। अगर अभी हम करेंटली बात करें तो करेंट में इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ये चूंकि पश्चिम बंगाल यहाँ हो गया है, इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। अगला है 16वां प्रश्न, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत का राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, जो कि 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। ध्यान देंगे आप, 1911 में भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, 1912 में बनाया गया था राजधानी दिल्ली को, और अभी तक दिल्ली भारत की राजधानी है, और जंतर मंतर दिल्ली में ही स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग है? हमने पहले बताया आपको दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, तो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप में देखेंगे तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग, जो कि एक पर्यटन स्थल भी है। 18वां प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य स्थापित किया गया था, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। और तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो आंध्र प्रदेश। मैप में देख सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश, जो कि तमिलनाडु के ऊपर और तेलंगाना के जस्ट नीचे है। इसके बाद है 19वां प्रश्न, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप इसे जरूर जानते होंगे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में कितने प्लेयर होते हैं? कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं हॉकी में। इसके बाद 20वां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मैप में आप बांग्लादेश देख सकते हैं, जो संतरा रंग से हाईलाइट किया हुआ है ये है बांग्लादेश, जो कि भारत से घिरा हुआ है तीन तरफ से, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और भारत की मुद्रा क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप भारत की मुद्रा जरूर जानते होंगे कि भारत की मुद्रा क्या है, लेकिन प्रश्न में
बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया था, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।